Please give a huge round of applause to the city of Ahmedabad. ये नाम आपके लिए नया नहीं है, सेंसेक्स का सुल्तान. जब हमने 3 साल पहले इस शो की शुरुआत की थी तो उस समय हमारी कोशिश यही थी कि इन्वेस्टमेंट की जो परिभाषा है उसे कुछ हद तक बदला जाए, और ना सिर्फ बदला जाए, इसमें कुछ नए आयाम जोड़े जाएं, कुछ नए पहलू जोड़े जाएं. ख़ास चीज़ ये है कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये एक अकेला ऐसा रियलिटी शो है जो कि इन्वेस्टमेंट की बात करता है या फिर इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है, एंड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसमें देश के किसी भी बिजनेस रियलिटी शो में दिया जाने वाला सबसे बड़ा इनाम इसी शो में दिया जाता है, यानी BMW की सुपर लग्जरी कार. लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ यह है कि ये हमारी 3री सीज़न है, और लगातार हर सीज़न में हमारा जो अनुभव रहा है वो यही रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिश है वो सफल हो रही है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और शायद इसी प्यार की बदौलत मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जी बिज़नेस आज देश का नंबर 1 बिज़नेस चैनल है, और हमारे साथ इस शो में जो कि हम कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलते हैं, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो ना सिर्फ देश का बल्कि दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला, सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है. सो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू दिस पार्टनरशिप. इस शो की एक ख़ास चीज़ ये है कि जिस विजेता का हम चयन करते हैं, और ये लगातार हमारी परंपरा रही है कि इसमें ना तो जी ना तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कोई भूमिका अदा करता है. हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ही ये जिम्मेदारी देते हैं. देश के कुछ सबसे बेहतरीन फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टर हमारे साथ इस शो में जुड़ते हैं, और वो फैसला करते हैं कि हर एक शहर से सेंसेक्स का सुल्तान कौन चुना जाएगा. आज इस पहले शो में शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ जो जूरी मेंबर्स जुड़े हैं, मैं आशीष जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे मंच पर उनका स्वागत करें. आई एम हैप्पी टू वेलकम ऑन स्टेज श्री दीपन मेहता. प्लीज़ वेलकम हिम ऑन स्टेज. श्री वीके शर्मा एंड श्री अनिल शाह, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज़. तो ये 3 हमारे खास जूरी मेंबर्स हैं जो कि आज सेंसेक्स का सुल्तान के ओपनिंग शो में फैसला करने वाले हैं कि कौन अहमदाबाद से सेंसेक्स का सुल्तान चुना जाएगा. लेकिन शो की शुरुआत करने से पहले आशीष जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शो के बारे में और हमारी ये जो कोशिश है इसके बारे में जो इनकी सोच है से हमारे साथ शेयर करें प्लीज़. सेंसेक्स का सुल्तान ये प्रोग्राम की रचना करीब 3.5 साल पहले हुई. हम लोग जब सोच रहे थे तब मीर जी ने आके कहा कि ऐसी कोई चीज़ करी जाए जो सेंसेक्स को सही अर्थ में सेलिब्रेट करे, और हमने फिर कहा कि चलो हम भी आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में हर क्षण में, हर साल में, हर दिन में हमें मालूम रहता है कि बच्चे का जन्म हुआ सेंसेक्स कितना था, बच्चा 10वीं पास हो गया तो कितना था, और 12वीं फेल हो गया तो कितना था. तो हर जगह सेंसेक्स अपने दिमाग में रहता है, और उसका सुल्तान बनना अहमदाबाद में बहुत बड़ी चीज़ है. तो जो भी यहाँ पर भाग लेने आए हैं और जो यहाँ पर देखने के लिए दर्शक आए हैं, मेरी उनसे शुभेच्छा है कि सेंसेक्स ऐसी चीज़ है. दुनिया में कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, सेंसेक्स ऐसी चीज़ है जिसको सेलिब्रेट करना ज़रूरी है. और ये सेंसेक्स का सुल्तान कार्यक्रम जो है, सुभाष चंद्र जी का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम को जी बिजनेस पे चलाने के लिए अपने साथीदारों को कहा, और मेरे जो BSC के साथी है जो इनके संग काम करते हैं, जूरी मेंबर है, उस सबका मैं आभारी हूँ. ये सेंसेक्स का सुल्तान एक जरिया है जिसके द्वारा हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि सेंसेक्स में आप निवेश कर सकते हैं, सेंसेक्स की कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, भारत की प्रगति में निवेश करेंगे. जब आप कोई स्टॉक में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हो तो अपने आप के रिटर्न्स के लिए भी इन्वेस्ट करते हो, लेकिन भारत की प्रगति के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हो, भारत में जॉब क्रिएशन के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हो. और मुझे खुशी है कि आप आज भारी मात्रा में इस सेंसेक्स का सुल्तान देखने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद है. और जी बिजनेस के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरा बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. जैसे मैंने कहा कि इस बार जो शो है सेंसेक्स का सुल्तान Season 3, उसमें हमने कई नए आयाम जोड़े हैं, और मैं अब आपका परिचय करा देता हूँ उन कंटेस्टेंट से जो कि यहाँ पर विजेता साबित हुए हैं. सो गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. ये 4 कंटेस्टेंट आज
आपके शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनसे बातचीत करने से पहले मैं इनके जो स्कोर्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि इस बार जो शो का फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग है। यानी हमने इन चारों कंटेस्टेंट को एक ऐसा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के लिए, या फिर मैं रिकंस्ट्रक्शन शब्द का इस्तेमाल करूँगा, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया था, जो कि ऑलरेडी विजेता पोर्टफोलियो है। इनका पोर्टफोलियो है वो ये है कि इनके क्लाइंट हैं, एक हाइपोथेटिकल क्लाइंट है इनके लिए मिस्टर लोकेश कुमार, जो कि 43 वर्षीय हैं और ये कोटा के निवासी हैं, और ये इनकी फैमिली के सोल अर्निंग मेंबर हैं, और इनकी फैमिली में करीब 6 मेंबर्स हैं। इनकी वाइफ के अलावा इनके 2 संतान हैं, 12 और 7 वर्ष इनकी उम्र है, और साथ ही इनके दोनों माता पिता इनके साथ ही रहते हैं, जो कि 70s में हैं। ये एक रियल एस्टेट फर्म में, एक प्राइवेट रियल एस्टेट फर्म में ये नौकरी करते हैं, और इनकी जो मंथली इनकम है पोस्ट टैक्स वो है 35,000 रुपये, और इनकी जो मंथली सेविंग है वो है 8,000 रुपये की। 20,000 से 25,000 रुपये हर साल ये PPF में इन्वेस्ट करते हैं। जो मौजूदा NAV है इनके PPF की वो करीब 2.25 लाख रुपये के आसपास है। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी, वो है म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें जैसे कि ICICI प्रोडेंशियल, सुंदरम, टाटा IDBI, एक्सिस, इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने कुल मिलाकर 3 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं, और साथ ही रिलायंस पेंशन स्कीम है इनके पास, जो कि इनका पेंशन प्लान है पिछले 5 साल से, जिसकी NAV करीब 85,000 रुपये है। 2 साल पहले इन्होंने ICICI प्रोडेंशियल का एक नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ था, करना शुरू किया था, उसकी NAV करीब 15,000 रुपये के आसपास है, और साथ ही इनके पास एक यूलिप भी है, एक यूलिप स्कीम है इनके पास, और ये लाइफ लॉन्ग यूलिप है जिसमें ये हर साल 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा इनके पास 12 लाख रुपए हैं जिसमें IT, फार्मा, ऑयल एंड गैस, FMCG और ऑटो, ये सेक्टर के स्टॉक्स इनके पास हैं। इनका जो घर है वो दरअसल पुश्तैनी मकान है जिसमें ये रहते हैं, और इस घर के अलावा इनके पास और 3 प्लॉट्स हैं, यानी ज़मीन के टुकड़े हैं, 2 कोटा में है जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपये है हर प्लॉट की, और साथ ही एक प्लॉट इनके पास है जोधपुर में जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपये है। इसके अलावा इनके पास 1 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि है जिसे मैक्सिमम रिटर्न के लिए इन्हें इन्वेस्ट करना है। अब जो चुनौती है वो ये है हमारे चारों कंटेस्टेंट्स के लिए, इस प्लानिंग को, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग है, इससे और बेहतर हमारे सभी कंटेस्टेंट्स को करना है, और साथ ही इसमें डेरिवेटिव्स का आयाम भी जोड़ना है। सो प्लीज़ गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हम पहले राउंड की शुरुआत करते हैं, और धवल हैं जिनसे हम इसकी शुरुआत करेंगे। धवल, आपके पास 3 मिनट का समय है, यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन नाउ। माय एडवाइस फॉर लोकेश, मिस्टर लोकेश, इज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन डेरिवेटिव्स फ्रॉम 1 लाख रुपीज कैश कॉर्पस। ही शुड गो विथ ऑप्शन स्ट्रेटजी, इन पर्टिकुलर बुल स्प्रेड, से फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड, बाय ऑर्डर बाय ऑक्टोबर 800 कॉल एट 30 रुपीज, सेल ऑक्टोबर 820 कॉल एट 22 रुपीज, लॉट साइज 500 शेयर्स, मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 6,000 रुपीज, मैक्सिमम लॉस विल बी 4,000 रुपीज। ही कैन ऑल्सो अप्लाई बाय राइटिंग कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी और प्रोटेक्टिंग पुट स्ट्रेटजी। लुकिंग टू द फाइनेंशियल प्लानिंग, माई एडवाइस टू लोकेश इज, फ्रॉम माई ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रूमेंट्स विच आर मिसिंग इन हिज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड माई एडवाइस, नंबर 1, ही शुड हैव अ टर्म इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 1.2 crores, नंबर 2, ही शुड हैव अ मेडिक्लेम ऑफ रुपीज 15 lakhs, नंबर 3, ही शुड हैव एन इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 6 times ऑफ हिज करंट सैलरी। ही कैन मैनेज ऑल दिस फंड्स फ्रॉम हिज करंट सेविंग्स एंड जोधपुर प्लॉट रेंट इनकम। चलिए, तो हेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आपने सजेस्ट किया है कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए 1.2 crores का। yes. तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है एज फार एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर दिस टर्म इंश्योरेंस? इन टर्म्स ऑफ रिटर्न? यस, या बिल्कुल रिटर्न की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज व्हाट आई हैव फाउंड दैट फ्रॉम द फाइनेंशियल प्लानिंग, ही इज नॉट हैविंग अ सिंगल रुपी इंश्योरेंस।
under his whole family. He is the sole earning member. He is 43. There are five family members under his aid. So anything wrong with him can severely affect the financial system of his whole family. So that is why to protect the family, it is important that he must have a term insurance. That is the whole basic idea behind it. Dhaval, आपने जो क्वेश्चन जो स्ट्रेटजी सुझाई है इनको yes. उसमें से आप लॉस तो करते हैं 4,000 yes. और मैक्सिमम पॉसिबल गेन आपका 6,000 yes. तो डोंट यू थिंक ये अप्रोप्रिएट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सर इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द पोर्टफोलियो एज वेल एज टू गेन लॉस मेरे को नहीं चाहिए और गेन मॉडरेट टू मैक्सिमम करना है लॉस तो होगा ना अगर वो स्टॉक ऊपर नहीं गया वहीं पे रहा तो लॉस तो हो जाएगा यस तो इसके कारण मैंने बुल स्प्रेड स्ट्रेटजी ली हुई है क्योंकि लॉन्ग अपना उतना उनका जो डायरेक्ट इक्विटी का पोर्टफोलियो है उस पर लॉन्ग रहेंगे और बुल स्प्रेड स्ट्रेटजी के जरिए वो हेजिंग करके वो प्रॉफिट कमा पाएंगे डोंट यू थिंक अगर इनके पास खुद के पास जो पोर्टफोलियो है इनका यस उनके ऊपर जो स्टॉक्स हैं Yes. उनके ऊपर अगर आप ऊपर का कॉल राइट करते तो नुकसान की जगह नहीं है प्रॉफिट की जगह हो सकती थी यस इट कैन पॉसिबल यस इट कैन पॉसिबल बिकॉज इस पर्पस का इस शो का पर्पस आपसे क्वेश्चन तो करना ही है बाकी जो दर्शक yes. हैं इसको देखेंगे उनको भी एजुकेट करने की आवश्यकता है yes. तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में हर महीने में पुट लेते जाएंगे hmm. तो आपका पैसे खत्म होते जाएंगे प्रॉफिट आपको स्टॉक ऊपर नीचे ड्यू टू लुकिंग टू द मार्केट मैं आपसे कमेंट नहीं कर रहा मैं तो सिर्फ पब्लिकली कमेंट कर रहा हूं कि दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी टू हैव इन ऑल सर्कमस्टेंसेस एंड डू इट एवरी मंथ पुट आपको तभी लेना चाहिए जब खतरा हो भेड़िया बाहर खड़ा हो उस वक्त आप पुट लीजिए इन अ मार्केट इन अ बेरिश मोड कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट कंटेस्टेंट ऑलराइट तो मिस्टर हुसैन आपके पास भी 3 मिनट का समय है नर्वस मत होइए आराम से आप अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंट कीजिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ नमस्कार देवी सज्जनों और अहमदाबाद मैं श्री लोकेश के लिए डेरिवेटिव में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सलाह देना चाहता हूं सीट वन के हिसाब से 1,29,000 का कैश कॉर्पस और शेयर को लेकर टोटल 10,89,000 का कॉर्पस क्रिएट किया हूं शेयर का कॉर्पस श्री लोकेश मार्जिन के रूप में यूज़ कर पाएंगे मैं डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के रूप में 4 लॉट 27,600 का BSX 29 अक्टूबर का कॉल सेल करने की सलाह देता हूं और उनके पास 1,29,000 का जो कैश है उसे ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफ BSC स्टार म्यूचुअल फंड में 29 अक्टूबर तक इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूं जिससे कि उनका कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाए केस स्टडी के इन्वेस्टमेंट सलाह के हिसाब से उन्हें 6.83 करोड़ FD में की जगह मंथली इनकम प्लान या म्यूचुअल फंड के डेप्ट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए इंडेक्शन बेनिफिट लेने से उसे उन्हें टैक्स भी कम लगेगा साथ में 3.70 लाख फ्रॉम प्लॉट इनकम जो है उन्हें टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए धन्यवाद अनिल आप शुरुआत करना चाहेंगे सवाल पूछना चाहेंगे जो आपने डेरिवेटिव्स में बताया है कि आप कॉल सेल करोगे सेल 4 लॉट आप जो कॉल सेल करोगे तो सेल में तो मार्जिन कितना लगेगा आपके पास तो 1,00,000 रुपया है सर उनके पास 12 लाख का मैंने स्टॉक है मैंने कहा कि शेयर के एब्सेंस में 12 लाख का शेयर है और म्यूचुअल फंड मिला के 3-4 लाख होता है तो 12 लाख का वो 16 लाख का लमसम होता है तो 27,600 का लमसम 4 लाख का 16 लाख के लगभग आता है तो उसके बेस पर शेयर के बेस पर मैं उसे कॉल सेल करने की ये करता हूँ और 29 तारीख तक का ही मैंने फर्स्ट मंथ का ही मैं उसे दे रहा हूँ नहीं तो उसका पूरा इन्वेस्टमेंट क्यों लगा है यहाँ पर तो 1 लाख ही आपको कॉर्पस दिया हुआ है डेरिवेटिव ट्रेड के लिए सर एक लाख उनके पास मुझे जैसा लगता है 1 लाख जो उनका कैश है और 8,000 पर मंथ जो उन्होंने सेविंग किया है वो इंक्लूड होकर 12 महीने में 96,000 होता है उसके बेस पर उनका जो म्यूचुअल फंड कटता है 12,000 15,000 15,000 तो उस हिसाब से 1,29,000 बचता है तो उनको मैं ओवरनाइट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूँ आपने जो कॉल राइटिंग की है उसमें रिस्क तो बहुत बड़ा होता है उसमें कोई स्टॉप लॉस रखेंगे आप सर स्टॉप लॉस के लिए वो ओवरनाइट जो स्कीम है मेरा मैंने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में जिस 1,29,000 का जो स्कीम है तो 27,600 के ऊपर जाएगा तब वो मेरा लॉस में जाने का चांस है क्योंकि प्रीमियम के मैंने वो जो टाइम वैल्यू के साथ तो प्रीमियम भी घटेगा उसमें
तो प्रीमियम घटेगा और ओवरनाइट जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे तो मेरा कुछ बेनिफिट आएगा और प्रीमियम भी घटता जाएगा, तो वो रिस्क वहाँ से कवर हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए कि आपने अपना लॉजिक बताया है, पर बाकी दर्शक जो देखेंगे इसको उनके लिए उनके एडवांटेज के लिए बता दें कि जब आप कॉल राइट करते हो तो बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेते हो, इन द सेंस कि आपकी रिस्क जो है ओपन रहती है, तो यू शुड हैव ए प्लान इन प्लेस आइदर इन फॉर्म ऑफ स्टॉप लॉस और इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ हायर कॉल जब भी आप करना चाहेंगे। तो ये बिना सोचे समझे ये काम नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हो तो इसका अभिमन्यु की तरह आपके पास प्लान, अभिमन्यु के पास नहीं था, आपके पास चक्रव्यूह से निकलने का प्लान होना चाहिए। थैंक यू सर। दो कंटेस्टेंट के हमने पोर्टफोलियो देख लिया, अब बारी है नितिन आपकी, आप तैयार हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू सर। मुझे जो 1,00,000 का एडिशनल अमाउंट दिया गया था पूरी तरह से डेरिवेटिव भी डालने के लिए, लेकिन मैंने उसका डिवाइड कर दिया है, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में भी डाला है रिस्क कम करने के लिए। 15% जो रुपीज़ है वो HDFC स्मॉल एंड मिड कैप इक्विटी फंड में डालने का एडवाइस दिया है। दिस इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड दिस फंड इज़ परफॉर्म्स बेटर देन एनी अदर। एंड सेकंड थिंग इज इन लास्ट 2 years बोथ ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप परफॉर्मेंस इज ऑल्सो गुड। सो माई एडवाइस टू मिस्टर लोकेश फॉर इन्वेस्ट 15% रुपीज़ इन दिस फंड। नाउ सेकंड इज सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र फंड, मैंने इसमें भी 15% फंड है वो ट्रांसफ़र करने के लिए कहा है, बिकॉज मार्केट अभी तो हाइट पर है एंड इट इज़ ऑल्सो चांस टू फॉल डाउन। सो चूजिंग ऑफ दिस फंड आई इन अनस्टेबल मार्केट आई कैन स्विच माई फंड टू स्टेबल और मोर सिक्योर फंड। सो माई एडवाइस टू मिस्टर लोकेश इज़ फॉर इन्वेस्ट 15% रुपीज़ इन दिस ट्रांसफर फंड। BSE इंडेक्स ऑप्शन चुना है मैंने तीसरा, बिकॉज ऑफ इन लास्ट 15 years मार्केट गिव्स एटलीस्ट 18% मिनिमम एवरेज रिटर्न। सो उसके हिसाब से मैंने इसका पोर्टफोलियो में ये भी चुना है। माई अदर एडवाइस फॉर BSE लॉन्ग डेटेड ऑप्शन, इन BSE लॉन्ग डेटेड ऑप्शन आई गेट एवरेज 14% रिटर्न। इट इज़ ए लॉन्ग टर्म के लिए मैंने किया है, जब तक मिस्टर लोकेश रिटायर्ड नहीं हो जाता तब तक का प्लान करके दिया है। आई रोल ओवर दिस फंड एट एवरी 3 years टिल 21 year। आई एम डेफिनेटली श्योर दैट दिस फंड इज ऑल्सो गिव्स मी मोर रिटर्न देन माई एक्सपेक्टेशन। एंड लास्ट वन इज करेंसी डेरिवेटिव, इन करेंसी डेरिवेटिव आई बाय सेल द डॉलर डिपेंडिंग ऑन मार्केट पोजिशन एंड ग्लोबल क्लोज। आफ्टर फ्यू ईयर्स आई बिलीव दैट सोल्ड ऑफ डॉलर should be profitable because of our GDP is growing, our exports is better than before, our economy is stable, and most important our government is also takes new steps in fast development of our country. So my advice to Mr. Lokesh is investing 20% rupees in these derivatives. जो करेंसी का आपने कहा है क्या वो आप थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आप क्या स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? आपने एक बड़ा जेनरिक बता दिया करेंसी डेरिवेटिव्स में इस तरह से। करेंसी में डेरिवेटिव तो 3-4 months के लिए ही जो होता है, लेकिन मैंने पूरे 23 years के हिसाब से प्लान किया है और मार्केट का जो पोजीशन है और जो ग्लोबल क्लो है उसके हिसाब से बाई या सोल्ड करना है, नहीं कि सोल बाई करना है या सेल करना है करेंसी के लिए। हाँ जी। पर ये 20 साल का सोचने की मतलब इतना लंबा करेंसी डेरिवेटिव्स में मतलब इतना तो वित्त मंत्री भी नहीं सोच रहे होंगे। नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा सोचा। दीपन, वी कैन स्टार्ट विद यू। देखिए अगेन आपको 1,00,000 रुपया दिया गया है फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्ट्रेटजी बनाने के लिए और आपने यूज़ नहीं किया उसको। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी उसका उनका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है, तो द होल ऑब्जेक्टिव इज़ टू डू सम स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी इन टर्म्स ऑफ, आपने खाली रखा है 10,000 इन BSE इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन फॉर हेजिंग, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी क्या रहेगी? वो तो सर मार्केट के पोजीशन के हिसाब से ही करनी है। नहीं ऐसे नहीं, आपको कॉल पुट फ्यूचर कौन से ऑप्शन वो सब देना ज़रूरी है, डिटेल्स आर इम्पोर्टेंट। ये बताइए कि आपने जो फ्यूचर ऑप्शन इन हेजिंग BSE इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन फॉर हेजिंग फ्यूचर में ऑप्शन में किसमें करेंगे, फ्यूचर में या ऑप्शन में किस में करेंगे और क्या करेंगे? फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर को बेचेंगे खरीदेंगे? बेचूंगा। बेचेंगे, क्यों बेचेंगे? क्योंकि मेरे पास सभी
स्टॉक इतना पड़ा है, अगर उसके स्टॉक है और उसको बेच रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? नहीं, हेजिंग करने के लिए ना, ये तो हेजिंग आप कब करेंगे? हेजिंग आप कब करना चाहेंगे? हेजिंग पोर्टफोलियो आदमी तब करता है जब उसको डर लगता है। आपको डर लग रहा है? हाँ, अभी तो मार्केट टॉप पर है तो डर ही लगेगा ना। तो डर लग रहा है तो अगर आप फ्यूचर बेचेंगे तो उसकी बनिस्पत और मार्केट आपने ऊपर चला गया तो आम इन्वेस्टर बहुत डरता है, तो उसको ये बता दें कि आम इन्वेस्टर जब भी डरता हो उसके स्टॉक्स में अगर ऑप्शंस लिक्विड हैं तो उसके उसी स्टॉक में अगर आप ऑप्शन ले लेंगे, पुट ऑप्शन खरीद लेंगे, इसके बाद जो पोर्टफोलियो है तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन डिलीवरी तो पड़ी है सर, तो पुट ऑप्शन लेने इसी के लिए तो कह रहे हैं भैया, फ्यूचर में अगर आपने बेच दिया और मार्केट ऊपर चला गया तो क्या करेंगे? आपकी स्ट्रेटजी डर की थी, डर की स्ट्रेटजी पुट बाइंग भी प्रोटेक्टेड है, पर अगर मार्केट ऊपर चला गया तो क्या? फ्यूचर में तो आप मर गए। बराबर। अगर आपने पुट खरीदा होता तो अपसाइड तो पूरा आपका था, बिकॉज स्टॉक आपके पास पड़े हैं। तो एक आम इन्वेस्टर को, लेकिन सर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है ना उसके हिसाब से। अरे भैया, आपकी वैल्यू समझ लो, फ्यूचर कैश और फ्यूचर का प्राइस एक है, आपका कोई प्रॉफिट नहीं होता ऊपर मार्केट अगर जाता है तो। अगर आपने ऑप्शन खरीदा है, पुट खरीदा है, तो जितना आपका पुट का खर्चा है वो खर्चा है, उसके बियॉन्ड जितना भी बढ़ता है वो पूरा मार्केट पूरा पैसा आपका है। एज ए एनालिस्ट आपको ये समझना चाहिए एडवाइस करने के पहले। अजय, आप तैयार हैं? ओके, एंड स्टिक टू टाइम लाइन, आप थोड़ा 3 मिनट से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं लेकिन पहला इवेंट है सो आई एम बीइंग लीनियंट। आप 3 मिनट का समय है, प्लीज स्टार्ट नाउ। मिस्टर लोकेश हैज अ कॉर्पस ऑफ ₹1 lakh व्हिच ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन डेरिवेटिव्स। फॉर दिस आई सजेस्ट हिम टू बाय 2 lots ऑफ कॉल एंड 2 lots ऑफ पुट ऑफ BSE Sensex। ही ऑलरेडी हैव सम शेयर्स बट ही हैज नो एक्सपोजर इन बैंकिंग स्टॉक्स, सो आई सजेस्ट हिम टू बाय 2 lots ऑफ कॉल एंड 2 lots ऑफ पुट ऑफ बैंक एक्स। ही ऑलरेडी हैव सम शेयर्स, टू हैज अगेंस्ट दीज शेयर्स आई सजेस्ट हिम टू बाय पुट ऑफ BSE ऑयल एंड गैस इंडेक्स, टेक इंडेक्स एंड ऑटो इंडेक्स। लुकिंग एट द फंड कंस्ट्रेंट्स एंड सिंस फार्मा एंड FMCG स्टॉक्स आर डिफेंसिव इन नेचर, आई हैव नॉट सजेस्टेड एनी हैजिंग फॉर दीज स्टॉक्स। नाउ मिस्टर लोकेश हैज मेड अ गुड फाइनेंशियल प्लानिंग, देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आर मिसिंग इन हिज पोर्टफोलियो। ही हैज टेकन नो टर्म इंश्योरेंस, दिस बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन ही इज द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली। सो आई सजेस्ट हिम टू बाय अ टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑफ नियरली 10 to 15 times of his annual income. Second, he has taken no medical insurance. I suggest him to take a medical insurance for his family of ₹5 lakh nearly, for himself, his spouse and children. Exposure in fixed income instruments appears to be high. Like generally we say, 100 minus your age should be your exposure to equities. But here, his exposure appears maximum in equities. He has made no investment in gold. For this, I suggest him to buy gold ETF of nearly 10% of his savings. He has created no contingent fund. I suggest him to have a contingent fund equals to 6 months of his salary. Thank you. Anil, आप शुरुआत करना चाहेंगे? जी, जो आपने डेरिवेटिव्स में स्ट्रेटेजी बताई है, BSX ऑप्शन कॉल एंड पुट, सर तो दोनों आप बाय करोगे? आपने yes. क्या किया है कि बाय सेंसेक्स BSX ऑप्शन कॉल 2 lot एंड पुट 2 lot, दोनों आप एक साथ बाय करोगे? क्यों? फर्स्ट इज टू सेव गार्ड हिज लॉसेज, सेकेंड मार्केट अभी काफ़ी रेंज बाउंड रहता है, सो आइदर साइड मूवमेंट में आपको बेनिफिट मिलेगा, आइदर योर कॉल विल इंक्रीज और योर पुट विल इंक्रीज इफ मार्केट फॉल्स। ऑलराइट, चलिए तो इसी के साथ जो पोर्टफोलियो राउंड है उसे हम यहीं समाप्त करते हैं। गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, इन्होंने पहला राउंड जो है वो क्लियर कर लिया है। अगला राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सारे कंटेस्टेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस राउंड में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये रैपिड फायर राउंड है। जो पहले बज़र प्रेस करेगा उसे जवाब देने का मौका मिलेगा, और एक बार बज़र प्रेस करने के बाद आप जवाब नहीं दे पाए या फिर आपने गलत जवाब दिया तो आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो पहला सवाल है वो ये है कि BSE के पास लाइव ट्रेडिंग है IRF में, लॉन्ग टेन्योर 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ये जो IRF है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? 10 सेकंड तो चले गए, दर्शक में से कोई बताना चाहेगा? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स इज द राइट आंसर, ये सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, इन विच मंथ एंड ईयर डिड द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ BSE लिस्टेड कंपनीज क्रॉस द लैंडमार्क 100 lakh crore, यानी कौन से साल और महीने में
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनीज की कुल मार्केट कैप 100 लाख करोड़ के आंकड़े के पार पहुंची थी। अपने आप में एक लैंडमार्क है। चलिए, इसमें दूसरे बोल में भी किसी ने खाता नहीं खोला। ऑडियंस में, ऑल राइट, ऑडियंस में है जी। सर आप बताइए। जून 2014, नवंबर 2014। चलिए चुक गया। खैर चलिए, 2014 तो सही था, नॉट बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी आर टर्म्ड एज व्हाट? इन द मनी ऑप्शन। कैन वी हैव द आंसर प्लीज? जो अमेरिकन ऑप्शन होते हैं उन्हें आप किसी भी समय एक्सपायरी के पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन S&P BSE सेंसेक्स डेरिवेटिव सेगमेंट ऑल इंडेक्स ऑप्शंस आर डैश? BSE IT इंडेक्स। ये गलत जवाब है। किस तरह के, मैंने जो सवाल मेरा था वो ये था कि जो इंडेक्स ऑप्शंस हैं वो किस तरह के हैं। ऑडियंस में से कोई देना चाहेगा? ये सही जवाब है। कैन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? डैश ऑप्शन गिव्स अ होल्डर राइट टू सेल एन अंडरलाइंग एसेट? पुट ऑप्शन। ये सही जवाब है। तो चलिए, आपने जो एक मार्क गवाया था उसे आपने रिकवर किया है धवल। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर एम ने अगर एक इन द मनी कॉल या फिर लोअर स्ट्राइक का खरीदा है और साथ ही एक इन द मनी कॉल बेचा है लोअर मिडिल का, और साथ ही एक आउट ऑफ द मनी कॉल हायर मिडिल का उन्होंने बेचा है और एक आउट ऑफ द मनी कॉल हायर स्ट्राइक का उन्होंने खरीदा है, तो जो स्ट्रैटेजी इन्होंने डेरिवेटिव्स में अपनाई है इसे क्या कहते हैं? इट्स अ लॉन्ग कॉल कॉन्डोर स्ट्रैटेजी। इसे लॉन्ग कॉल कॉन्डोर स्ट्रैटेजी कहते हैं। 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। डैश मार्जिन इज अ मार्जिन विच इज इंटेंडेड टू कवर द लार्जेस्ट लॉस दैट कैन बी एनकाउंटर्ड ऑन 99% ऑफ द डेज। वार मार्जिन, वैल्यू एट रिस्क। सवाल कंप्लीट होने दीजिए, बाकी लोगों को सुनने दीजिए आप। डू वी गिव इट टू हिम? ऑलराइट, खैर ये सही जवाब था। वैल्यू एट रिस्क मार्जिन कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 8, कैन वी हैव ऑन स्क्रीन? डैश मार्जिन इज कंप्यूटेड आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स ऑन ट्रेडिंग डेज ऑन द बेसिस। बोलिए, कैन वी हैव द मार्क टू मार्केट? मार्क टू मार्केट, ये सही है। MTM सही है, मार्क टू मार्केट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द बेस पीरियड ऑफ द इंडेक्स S&P? अब नाउ आई थिंक प्लीज डिसाइड हम दे मार्क या नहीं दे। अभी बोलिए, आंसर तो बोलिए अब आप। 1978-79। कैन वी हैव द आंसर प्लीज? ये सही जवाब है, तो मिलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द बेस वैल्यू ऑफ S&P? व्हाट वी कैन डू इज कि अपना बजर राउंड में द मोमेंट वन समबडी प्रेसेस द बटर बजर, आप बोलें उसके पहले भी अगर प्रेस कर दे तो रेडी में आंसर बोलने का नहीं आगे, तो मेरे ख्याल से उसको जाने देते हैं। जो पहले बजर करेगा उसको रन द रिस्क ऑफ नॉट रीडिंग द कंप्लीट क्वेश्चन एंड ही मे बी रॉन्ग। लेट इट गो। मिल रहा है आपको मार्क, चिंता मत कीजिए। थैंक यू। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 91-day गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल फ्यूचर्स इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द BSE इन विच ईयर? किस साल में इसे BSE पर इंट्रोड्यूस किया गया, जो ट्रेजरी बिल्स हैं भारत सरकार के? चलिए 10 सेकेंड हो गए और दो चार सेकेंड आपको ग्रेस भी मिल गए, बट पीछे आई थिंक ऑडियंस में 2014 में। कैन वी हैव द आंसर प्लीज? 2013, नवंबर 2013। चलिए कोई बात नहीं। इन विच ईयर वॉज द SEBI एक्ट एस्टैब्लिश्ड? 1992। किसका बजर था ये? अपन क्या कर चुके हैं, इनको तो वार्निंग दी जा चुकी है और उसके बाद भी एक और पॉइंट अवॉर्ड किया है, तो आपको वार्निंग दी गई, तो प्लीज अगर आपने दोबारा सेंटेंस पूरा होने के पहले जो रूल्स हैं वो सबके लागू रहेंगे। सो डू वी ड्रॉप दिस क्वेश्चन या क्या करें? आई थिंक ब्लॉक दिस क्वेश्चन, वी विल ड्रॉप द क्वेश्चन। 13वां सवाल, कैन वी हैव इट ऑन स्क्रीन प्लीज? विच ईयर वॉज द इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द BSE? BSE में सबसे पहली बार इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स की शुरुआत कब हुई? ईयर 2000। इन द ईयर 2000, कैन वी हैव द आंसर प्लीज? 2001। चलिए एक मार्क कट गया इनका। क्वेश्चन नंबर 14, कौन से साल में BSE सेंसेक्स इंडेक्स ऑप्शंस सबसे पहली बार लॉन्च किए गए थे? 20 सेकेंड हो गए अब तो 10 के। ऑडियंस में से कोई बताना चाहेगा? कैन वी हैव द आंसर प्लीज? और एक्चुअली इस राउंड का आखिरी सवाल,
In which year did the S&P BSE Sensex shift to free float methodology? Yani Sensex 2006. Can we have the answer please? 2003. आपका भी एक मार्क नेगेटिव हो गया. तो इसी के साथ चलिए ये राउंड हमारा यहीं पर ख़त्म होता है. जो नेक्स्ट राउंड है वो है फाइनेंशियल क्विज़, और इसमें मैं बारी बारी से हर कंटेस्टेंट से चार सवाल पूछने वाला हूँ, और आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप खुद जवाब दे सकते हैं. अगर आपको पता नहीं है तो या तो आप अपना सवाल किसी कंटेस्टेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी किसी कंटेस्टेंट को अगर जवाब पता है आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, तो जो मार्क है वो आप दोनों में बट जाएंगे, ठीक है. और या तो फिर एक बार इस राउंड में एक बार आप ऑडियंस से ऑडियंस हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले मैं धवल से चार सवाल लूँगा. डैश कॉन्ट्रैक्ट्स आर कस्टमाइज्ड ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स. ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि ओवर द काउंटर कस्टमाइज होते हैं? फॉरवर्ड. बिल्कुल सही जवाब है, ये सही जवाब है. दूसरा सवाल, एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे द क्लियरिंग हाउस सेटल्स योर ट्रेडिंग अकाउंट बाई एडिंग फंड्स टू योर बैलेंस इफ यू मेड अ प्रॉफिट और डिडक्टिंग इट इन केस ऑफ अ लॉस ऑन कैश बेसिस. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मार्क टू मार्केट, M2M. बिल्कुल ये सही जवाब है, मार्किंग टू मार्केट. तीसरा सवाल इस राउंड का धवल के लिए, विच वॉलंटरी एक्टिविटी बाय अ कंपनी डिक्रीज इज द फेस वैल्यू ऑफ इट्स स्टॉक? स्प्लिट. स्प्लिट इज द राइट आंसर, ये सही जवाब है, स्टॉक स्प्लिट. और चौथा और आखिरी सवाल इस राउंड का धवल के लिए, कंपनीज ऑफन डिस्ट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स टू देयर शेयर होल्डर्स. इस इनकम को क्या कहा जाता है? डिविडेंड. डिविडेंड इज द राइट आंसर. हुसैन आप तैयार हैं? स्ट्रेस मत लीजिए, मैं हिंदी में बोलूँगा पूरा सवाल, उसके बाद आप दे सकते हैं जवाब. ये एक देश की करेंसी नोट है, आपको ये पहचानना है कि ये किस देश की करेंसी है. साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर, ये सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर टू हुसैन के लिए, इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर IOB ने हैज़ जॉइंट हैंड्स विथ विच इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड पर्सनल एक्सीडेंट प्रोडक्ट्स टू इंडियन ओवरसीज बैंक कस्टमर्स. यानी इंडियन ओवरसीज बैंक ने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मुहैया कराने के लिए कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है जिसके जरिए वे अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मुहैया कराते हैं? सर ऑडियंस पोल्स लेना चाहूँगा. ऑडियंस पोल नहीं है, ऑडियंस में से किसी एक से आपको लेना पड़ेगा. तो आप ऑडियंस हेल्पलाइन लेना चाहेंगे या फिर कंटेस्टेंट हेल्पलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? अगर आप कंटेस्टेंट हेल्पलाइन लेते हैं तो आपका जो मार्क है वो बट जाएगा किसी के साथ. ये कंटेस्टेंट हेल्पलाइन नहीं, आप सोच लीजिए किसके साथ लेना चाहेंगे आप. पक्का? किस किस से लेना चाहेंगे ये तो बताइए. अजय जी से. अजय अगर ये सही जवाब दे देते हैं तो मार्क आप दोनों को आधा आधा मिलेगा, अगर ये गलत जवाब देते हैं तो मार्क तो आपको मिलेगा नहीं. क्या है जवाब? सर आंसर इज डी. डी आंसर. डी. रिसेंटली RBI ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को पेमेंट बैंक सेटअप करने के लिए, ठीक है. पेमेंट बैंक बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को RBI ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है. अब इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने पार्टनरशिप की है पेमेंट बैंक लॉन्च करने के लिए? ए SBI, बी LIC, सी बजाज कैपिटल या डी अपोलो म्यूनिक? ऑडियंस हेल्पलाइन लूंगा. कैन वी हैव द माइक प्लीज? SBI इज द राइट आंसर, SBI सही जवाब है. चलिए ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर हुसैन के लिए. एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नाउ द डिफरेंस बिटवीन द बेंचमार्क रेपो एंड रिवर्स रेपो सेट बाय RBI इज हाउ मच? यानी जो RBI की तरफ से रेपो और रिवर्स रेपो सेट किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, उनके बीच में अंतर कितना होता है रेपो और रिवर्स रेपो के बीच में? 100 बेसिस पॉइंट्स. ऐसा क्यों लगता है आपको? बस अंदाज में, मेरे को आता नहीं है क्वेश्चन. चलिए आपने तुक्का मारा लेकिन सही है, तुक्का ही है. आप तैयार हैं नितिन? ये दो जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट की इमेज है, ऑडियंस साइलेंस. आपको ये बताना है कि ये दोनों कौन है. धीरूभाई अंबानी एंड रतन टाटा. ऑडियंस से पूछेंगे आप? अनिल अंबानी एंड राहुल बजाज. ये सही जवाब है,
under the sovereign gold bond scheme, the individual limit of investment is how much? 500 grams, 150 grams, 250 grams, yeah, there is no limit. गोल्ड बॉन्ड में कोई लिमिट नहीं है. 500 ग्राम्स की लिमिट यहाँ पर रखी गई है. इससे ज़्यादा एक इंडिविजुअल पर्सनल कैपेसिटी में जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है उसमें हर साल इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. पीपीएफ अकाउंट में सालाना इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है? ऑडियंस साइलेंस प्लीज़. एक काम करते हैं, शो रोक देते हैं यहीं पर. आप लोग आके सब लोग कर लीजिए अपने हिसाब से. जब मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप लोग मत बोलिए, कंटेस्टेंट यहाँ पर खेल रहे हैं, इसमें से एक आगे अगले राउंड में जाने वाला है. अब स्कूल में अगर बोलें इतनी बार तो स्टूडेंट भी समझ जाते हैं. आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप फिर भी बार बार बोलते जा रहे हैं. लेट हिम डिसाइड ना, अगर ये खेल रहे हैं तो. आपने क्या इनकी हेल्पलाइन ली थी तो आपका मार्क इनके साथ स्प्लिट हो जाएगा. ठीक है, कैन वी हैव द आंसर प्लीज? क्या बोला था आपने? 1.5 लाख इज द राइट आंसर. ये सही जवाब है. The interest component of your housing EMI can be claimed as reduction in IT return. यानी IT return में आप जो housing loan पर आप जो interest भरते हैं हर महीने EMI में, उसे आप बतौर deduction claim कर सकते हैं अपने IT return में. इसकी सीमा क्या है? 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख या 10 लाख? 1 लाख. 1 लाख रुपया? श्योर नहीं हूँ, पर आपने 1 लाख बोला. हाँ, 1 लाख. 2 लाख रुपये है इसकी जो सीमा है, वो 2 लाख है. नेवर माइंड, आपने इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो ऑल इज़ गुड. अजय, आप तैयार हैं? फॉर इन्वेस्टमेंट डन इन टैक्स सेविंग फंड द रिलीफ कैन बी क्लेम्ड अंडर विच सेक्शन? आप कौन से सेक्शन में रिलीफ क्लेम कर सकते हैं? ATC इज़ द राइट आंसर. ये सही जवाब है. जो अगला सवाल है वो एक ईवी क्लिप है. ये कौन से स्टॉक एक्सचेंज का दृश्य है? सिंगापुर. लंदन स्टॉक एक्सचेंज का दृश्य था. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASBA व्हेन रेफरिंग टू IPO एप्लीकेशन? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. ब्लॉक्ड अमाउंट, ये सही जवाब है. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्म बाय मार्केट कैप इज विच वन? एप्पल, फेसबुक, IBM या पेट्रो चाइना? एप्पल. एप्पल खाते हैं आप? फोन यूज करते हैं एप्पल का? नहीं करते हैं. करना चाहते हैं? सैमसंग का अच्छा है. अच्छा, एप्पल पसंद नहीं आपको? खैर, ये सही जवाब है. एप्पल इज़ द राइट आंसर. दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से एप्पल है. इसी के साथ ये राउंड यहीं समाप्त होता है. अब मैं सवाल जो आपका सिलसिला ऑडियंस के लिए शुरू करूंगा. माय क्वेश्चन इज फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर. अभी पिछले कुछ सालों से या पिछले एक साल से ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बुरे फेस से उभर रहा है अभी. तो अभी अच्छा, अभी हम मान लें कि अभी अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, तो फिर हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्पेसिफिक स्टॉक लेने चाहिए या फिर OEM के स्टॉक लेने चाहिए, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लेने चाहिए या फिर पर्टिकुलर किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के लेने चाहिए? देखिए, जो ऑटो सेक्टर है उसमें जो पैसेंजर व्हीकल्स है, दैट इज़ वेयर द ग्रोथ इज़. अगर आप देखेंगे जो प्रोडक्शन नंबर्स आ रहे हैं, तो जो टू व्हीलर्स है दे आर जनरली फ्लैट ग्रोथ है, और पैसेंजर व्हीकल्स और जो कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट है उसमें भी जो मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स है वहाँ पर ग्रोथ आ रही है. एज अ इन्वेस्टर आपको हमेशा ग्रोथ को चेस करनी चाहिए. यू मस्ट गो आफ्टर वेरेवर देयर इज़ ग्रोथ. तो जो स्टॉक्स द कंपनीज विच आर इन पैसेंजर व्हीकल उनमें आप फोकस करेंगे, या फिर जो कंपनीज आर डूइंग प्रेडोमिनेंटली मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स उनमें फोकस करेंगे, तो आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी. और हमेशा आपकी स्ट्रैटेजी यही रहनी चाहिए कि जो बड़ी कंपनियां हैं जिसको सीधा सीधा फ़ायदा होता है बिकॉज ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट्स, हायर डिमांड, उनमें ही निवेश करना चाहिए, नॉट दी ऑटो एंसिलरी कंपनीज. क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ प्राइस प्रेशर रहता है एंड यू डोंट, दे डोंट गिव अ परफेक्ट एक्सपोजर टू द करेक्ट सेगमेंट इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. जैसे मेटल में बहुत गिरे थे शेयर्स, अभी रिकवरी होनी चालू हुई है, और उसमें मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि भी ये बहुत बॉटम बना हुआ है, और उसमें वैसे अच्छे अच्छे शेयर जैसे हिंडाल्को है, टाटा स्टील है, वेदांता है, बहुत लो हो गए थे, तो अभी ये रिकवर होने चालू हुए, तो अभी क्या लगता है उसमें? आप शॉर्ट टर्म व्यू चाहते हैं अनिल? आप नहीं, लॉन्ग टर्म व्यू ही करना है. लॉन्ग टर्म व्यू में टेक्निकली देखने जाओ तो सभी चार्ट मंदी में हैं मेटल शेयर्स के, क्योंकि उसका अभी तक जो 50 दिन का अभी एवरेज गिनने जाओ तो कई सारे स्टॉक्स के करीबन
लेवल पे और 200 दिन की जो जो उसका टेक्निकल बेसिकली क्या होता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म मंदी में कब आता है कि उसका जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है यानी कि 200 दिन का क्लोज प्राइस उसके नीचे मार्केट चलता है तो मार्केट तेज़ी नहीं होता, उसको लॉन्ग टर्म सेल करना मुताबिक होता है। लेकिन फिलहाल अभी टेम्पररी बेसिस पे थोड़ा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसका जो आप कहीं भी चार्ट मिल जाएगा, आप BSE की वेबसाइट पे भी जाओगे तो आप उसको अच्छा वहाँ कहीं सर्च करोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज आपको मिलेगी। तो आप 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर वो स्टॉक निकले तब आप उसको बाय करना चाहते हो तो उसको बॉटम गिनो, तब तक उसको बॉटम नहीं गिनो। चलिए इसी नोट पर जो सवाल जवाब का राउंड है इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक कि अहमदाबाद से कौन सेंसेक्स का सुल्तान बना है। मिस्टर नितिन जोशी रहे हैं चौथे स्थान पर, इनका टोटल स्कोर है 28 मार्क्स। तीसरे स्थान पर रहे हैं मिस्टर हुसैन, इनका टोटल स्कोर है 62, इनफैक्ट इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। दूसरे स्थान पर रहे हैं अजय यादव, now can we have the winner on stage, Mr. Dhawal Sheth, can we have you on stage please? I have been in the financial planning as an advisor since last 10-12 years, so that is nothing new to me. But taking derivatives challenge, that is very much important, and as a part of derivatives you have to be the best, and you have to be the best that you have to score the maximum marks. That I have tried to do this evening. Thanks for all those who have supported me, those who have VCs, those who have given VCs for me. Thank you very much.